अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट टॉपिक वी हैव फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। Now, लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट से रिलेटेड कन्वर्जन्स बताई थी और क्वेश्चंस दिए थे कुछ करने के लिए। मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद मुझे मैसेज कर दिया था, फिर मैंने उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। एक्चुअली फ्रॉम हियर वी स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। When we talk about physical quantities, तो बेटा physical quantities क्या है? Physical quantities are those which can be measured. Physical quantities वो जो measure हो सके। मेजर होने का मतलब लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, हीट, करंट, चार्ज, रेजिस्टेंस, टाइम, वोल्टेज, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अच्छा, हैप्पीनेस, सैडनेस, थिंकिंग, ये बेसिकली हाइपोथेटिकल क्वांटिटीज हैं, ये मेजर नहीं हो सकते। सैडनेस, हैप्पीनेस, ये मेजर नहीं हो सकता, ये फीलिंग्स हैं। तो दीज आर हाइपोथेटिकल क्वांटिटीज, मींस के जो मेजर ना हो सके। फिजिकल क्वांटिटीज मेजर जो होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड बाय their magnitude. Magnitude का मतलब क्या होता है? Number and units. For example, मैं तुमसे कहूँ mass is equals to 2 kg. So 2 is what? Magnitude. And kg is the unit. When we talk about physical quantities, then we say that there are two types of physical quantities. Number one are, first one is basic quantities. ये basic quantities बेटा वही हैं जो आपने O levels में भी पढ़ी थी। तो व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिक क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 बेसिक क्वांटिटीज। राइट डाउन, लिख ले मेरे साथ। लेंथ, मास, टाइम, temperature, current, amount of substance, and luminous intensity. When we talk about units, तो हम length का unit है। देखो length के unit बहुत सारे हैं, length हो या distance हो। अच्छा, length का मतलब जरूरी नहीं है length का नाम दे, वो आपसे कह सकता है distance, वो आपसे कह सकता है radius, diameter,
सर्कमफ्रेंस, ये सब लेंथ में ही तो काउंट होंगे ना, हाइट, विड्थ, डेप्थ, ये सब एक तरह की लेंथ है। जब ये लेंथ को हम मेजर करते हैं तो मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे यूनिट्स मतलब किलोमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, इन सब में जो बेसिक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो मीटर है। मास का स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, इसको हम कहते हैं एस आई बेस यूनिट। दीज आर कॉल्ड एस आई बेस यूनिट्स। ये टाइम जब भी मेजर होगा सेकंड में होगा, टेम्परेचर जब भी मेजर होगा तो के, कैपिटल के मींस केल्विन में होगा, करंट मेजर होगा तो एम्पेयर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ओ लेवल में तुमने पढ़ा था याद रखो कैंडेला। नाउ दीज आर द बेसिक क्वांटिटीज, और ये बेसिक क्वांटिटीज हैं और उनके बेसिक यूनिट्स हैं। आफ्टर बेसिक क्वांटिटीज वी हैव ड्राइव्ड क्वांटिटीज। देखो इसके अलावा जो ऊपर मैंने सेवन क्वांटिटीज लिखी हैं, इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आपने फिजिक्स में पढ़ी हैं वो सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब When I say drive quantity, तो आप कहेंगे बेसिकली फोर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ड्राइव क्वांटिटी है, वर्क ड्राइव क्वांटिटी है, पावर, चार्ज, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, एनर्जी। हेलो आवाज आ रही है? हेलो अब बताएं बेटा, अब अगर आवाज बीच में लैग करे तो मुझे बताइएगा, अभी भी लैगिंग हो रही है। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, मुझे अब बताएं। अब बारा तो मुझे बताना, राइट? देखो फोर्स अब भी हो रही है। हेलो क्या हो गया? एक मिनट ठहरो,
हेलो। अब बताए मुझे, अब क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, देखो मैंने आपको बताया अभी कि बेसिक क्वांटिटीज, इसमें लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम है, टेम्परेचर है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये दो आखिर वाले यूज नहीं होते ज्यादा। लेंथ का यूनिट है मास, सॉरी लेंथ का यूनिट है मीटर, मास केजी, टाइम सेकेंड्स में, टेम्परेचर कैल्विन में, करंट एम्पेयर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनेट इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स। अच्छा, कैंडेला और मोल ज्यादातर यूज नहीं होंगे, मोस्टली हम इन्हीं को यूज करेंगे, फाइव को। जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात करते हैं बेटा, तो वी से दैट के ऊपर वाली क्वांटिटीज के अलावा फिजिक्स में हम जितनी क्वांटिटीज पढ़ेंगे, इन क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आप स्टडी करेंगे फिजिक्स में, दीज और आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट ड्राइव्ड क्वांटिटीज, तो वी से दैट के जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, फोर्स का यूनिट आप कहते हो न्यूटन, प्रेशर का यूनिट तुम कहते हो पास्कल, वर्क का यूनिट तुम कहते हो जूल्स, एनर्जी का यूनिट भी जूल्स, पावर का यूनिट वॉट्स। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स, वोल्टेज ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इन सब का यूनिट वोल्ट्स। देखो ये जितनी यूनिट्स मैंने लिखे हैं, दीज यूनिट्स विच आई हैव रिटन हियर, दीज ऑल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। And these units which we mention here are called SI का मतलब है System International। एक organization थी जिन्होंने ये rule बनाया था और इसी को कहते हैं SI base units। When I will say SI base units, तो SI base units में न्यूटन नहीं होगा, SI base units में प्रेशर, सॉरी पास्कल का प्रेशर नहीं होगा, जूल्स नहीं होगा, वॉट्स नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है वो होता है कि डिटरमिन द एस आई बेस यूनिट्स। ये पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, डिटरमिन द एस आई बेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग।
अब देखो नंबर वन, मैं आपसे कहूं कि मुझे फोर्स का SI बेस यूनिट बताएं, रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा ओ लेवल्स का था लिखा है ना मैंने, ये रेजिस्टेंस का ये जो मैंने यूनिट लिखा है इसको हम कहते थे ना ओम्स का सिंबल ये है, और चार्ज का कैपिटल सी का यूनिट, कैपिटल सी का मतलब है कूलम, डब्ल्यू का मतलब है वॉट्स। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि फोर्स का बेस यूनिट बताओ या फोर्स का SI बेस यूनिट बताओ, तो तुम हमेशा पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे एम ए। तो देखो एम का मतलब क्या है, मास, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट ओ लेवल में याद करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का अपना यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। तो व्हाट वी मीन टू से हियर कि यहां पर न्यूटन जो है वो बेसिकली ड्राइव यूनिट है। और इस ड्राइव यूनिट का बेस यूनिट ये है, बेस यूनिट का मतलब ऊपर देखो मास किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर, मास सॉरी मीटर, मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन और एम्पियर के यूनिट्स पे आना चाहिए आपके पास, चाहे उसपे मीटर पे स्क्वायर है क्यूब है जो भी पावर है, किलोग्राम पर स्क्वायर है क्यूब है जो भी पावर है, सेकंड पर जो भी पावर है, मगर कोई भी क्वांटिटी इन फाइव यूनिट्स में आनी चाहिए तो फिर वो SI बेस यूनिट्स कहलाएंगे। अब यहां जो मैंने लिखा है फर्स्ट में फोर्स, तो फोर्स का न्यूटन जो है वो ड्राइव यूनिट है, मगर न्यूटन का तुमसे बेस यूनिट पूछा जाए, अगर कहीं मैं लिख दूं तुम्हें न्यूटन का बेस यूनिट क्या है तो आप लिखेंगे जैसे मैंने यहां लिखा है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। कुछ बेसिक बातें याद रखना बेटा कि एरिया का मतलब होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर बेस यूनिट, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं ये याद रखने हैं आप। डिटरमिन SI बेस यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग में, नंबर वन मैंने तुमसे कहा कि फोर्स, अब मैं तुमसे कह रहा हूं नंबर टू टेल मी SI बेस यूनिट्स ऑफ वर्क, वर्क का मुझे बेस यूनिट निकालना है। तो देखो मैं वर्क के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ इंटू डी, फोर्स का अपना यूनिट क्या है, अगर तुमने लिख दिया ना फोर्स की जगह न्यूटन और डिस्टेंस की जगह मीटर तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे SI बेस यूनिट पूछ रहा है बेटा, अगर वो आपसे SI बेस यूनिट पूछ रहा है तो N जो है वो ड्राइव द यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है, N इज द ड्राइव यूनिट। तो बेसिकली अगर आप वर्क का बेस यूनिट मालूम करेंगे तो आप पहले फोर्स को भी स्प्लिट करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है एम ए, डी क्या है डिस्टेंस। अब इन तीनों पर फॉर्मूले में यूनिट रखो, मास का यूनिट क्या है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस मेजर होता है मीटर में, तो दैट विल बिकम मीटर स्क्वायर एस माइनस टू।
ये होगा तुम्हारे पास वर्क, और वर्क का अपना यूनिट किसके इक्वल होता है? जूल्स के। तो मैं कहूंगा एक्चुअली के जूल्स जहां भी लिखा हो वो तुम इसके बराबर करो। इज दिस क्लियर और नॉट? पहले ये बताओ समझ में आई बात या नहीं, तो मैं आगे चलूं। यस सर, क्लियर। एक तुम ही बैठे हो, बाकी सब सो रहे हैं यार। चैट पे कम से कम जवाब दो, ऐसे थोड़ी होगा। अदीन आसिफ रिप्लाई करें मुझे सब भाई, वरना मैं अभी रूम से आपको रिमूव कर दूंगा बेटा। हाँ सही है, गुड। अमार अली मैसेज चाहिए मुझे। क्लियर। हाँ सही है अमार, ठीक है सर, क्लियर है। जिसका मैसेज नहीं आएगा वो रूम से फारिग होगा भाई। अमार अली का मैसेज आ गया, ठीक है। मोहम्मद एहसन, मोहम्मद एहसन, हाँ सही है, ठीक है, मौजूद हो तुम। राफे सही है, सारे रह गया, सारे सर सबसे पहले मैंने ही बोला था। अच्छा तुम्हारा वो मैसेज मुझे नजर नहीं आ रहा था बेटा, ठीक है। अच्छा अब देखो मुझे, मैं तुम्हें भी क्वेश्चन दिखाऊंगा इसकी बेस पे, इसलिए मैंने पूछा क्योंकि मैं तुम लोगों को भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तो वो इसी की बेस पर होगा। सर वो डेंसिटी की क्वांटिटीज में आती है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकालो। चलो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी निकालते, नंबर थ्री में डेंसिटी कर देता हूँ। अब डेंसिटी का सिंबल था, डेंसिटी का फॉर्मूला था मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा यूनिट का गायब हो गया है फोन, हो गया एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली ड्राइव यूनिट है, और उसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अबे यार अभी तो लैग नहीं हो रही है मेरे पास, क्या मसला है? मेरा नेट ही चल रहा है भाई, अभी सुबह दो क्लासें ले चुका हूं बेटा, पता नहीं क्या इशू हो गया अभी। हेलो अभी आवाज ठीक आ रही है? जी सर अभी आवाज ठीक आ रही है, ठीक हो गई। देर में हो रही है सर, थोड़ी थोड़ी देर में बहुत लैग हो रही है आवाज। अभी आप जैसे आप समझा रहे थे ना डेंसिटी वगैरह, उसमें बीच में बिल्कुल आवाज चली गई। अच्छा अच्छा अब ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अच्छा मुझे ये कंप्लीट कर दे तो फिर मैं चेंज करता हूँ, वरना फिर ये फिर दोबारा पूरी स्क्रीन खत्म हो जाएगी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास में किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मुझे ये बताओ फॉर्मूला अप्लाई करना पहले, नंबर फोर पावर करके दिखाओ मुझे। पावर का फॉर्मूला याद रखना, वर्क अपॉन टाइम। कर रहे हो सॉल्व? वर्क की पर हाँ किसी का आंसर है, केज एम स्क्वायर एस माइनस वन, केजी एम स्क्वायर एस माइनस वन। शाबाश, देखो कैसे। ये क्या है? हाँ
हाँ बोलो। बोला था ये जो जितने भी सारे जो हमने जिस तरह डिराइव यूनिट्स हैं ये हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं उनके फॉर्मूले के जरिए जितने भी हैं। हाँ हाँ ऐसे ही है, सही सही बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो ना, मैं तुम्हें अभी ये बेसिक बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें एग्जाम में किस तरह की सिचुएशन हो। देखो टाइम वाले में तुमने एक मिस्टेक कर दी कि मैंने तुम्हें कहा ऊपर वर्क की तुमने पहले से जूल्स का निकाला हुआ है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम मैंने किया बेटा, तो डिनोमिनेटर का वन ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये होगा एम स्क्वायर एस माइनस थ्री। पहले ये बात मुझे बता दो, समझ में आई या नहीं? यस सर। जी सर क्लियर है ना? देखो यूनिट्स को, जी सर, पावर्स को, इंडाइसेस, मैथ्स के इंडाइसेस। अबे देखो पावर का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टाइम। पावर का समझ नहीं आ रहा? पावर का मसला क्या है? पावर की डेफिनेशन याद रखो ना बेटा, ये मैथ्स के इंडाइसेस के रूल्स है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है फिजिक्स में? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क तुमने शुरू में पार्ट नंबर टू में देखो, तुमने वर्क सॉल्व किया था किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस माइनस टू। ये तो मैंने ऊपर वर्क वाला वो एज इट इज रखा है, ऊपर वाली डेरिवेशन पॉइंट नंबर टू की, और डिवाइडेड बाय टाइम का सेकंड आ गया। अब बेटा ये बात तो पता है ना आपको मैथ्स में कि अगर ए की पावर बी होती और न्यूमरेटर में लेकर आते हो तो ए की पावर माइनस बी बन जाती। मैंने इस तरह से इसको सॉल्व किया बस, तो वन ऊपर गया माइनस वन एस के साथ हुआ तो माइनस थ्री हो गया ना। ये बेसिकली वॉट के बराबर है, डब्ल्यू लिखा हो या पूरा वॉट्स लिखा हो इसका मतलब यही है। अब सुनो, पॉइंट नंबर फाइव, इसलिए मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कहा था असेंबली लिखवाई दो लेवल के फॉर्मूला की, ये तुम्हें याद रखना होगा कि ओ लेवल में फॉर्मूलास क्या क्या थे। वोल्टेज का मुझे एस आई यूनिट चाहिए, लुक एट दिस, व्हेन आई से बेटा एस आई यूनिट इट मींस आई नीड टू हैव दीज यूनिट्स ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, यूनिट सिर्फ इनमें से कोई होना चाहिए। अब आ जाए पार्ट फाइव में, इन ओ लेवल्स इफ यू रिमेंबर वोल्टेज को हम ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे और ईएमएफ का फॉर्मूला होता था एनर्जी या वर्क। बात एक ही है, एनर्जी लिखो या वर्क लिखो, बात एक ही है, डिवाइडेड बाय चार्ज। यानी ओ लेवल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो ओ लेवल्स में होता था V इज इक्वल टू W ओवर Q, अगर आपको याद हो। अब देखो प्रॉब्लम यह है, प्लीज अटेंटिवली मेरी बात सुनना कि Q का मतलब क्या है, चार्ज। अब चार्ज बेस यूनिट तो नहीं है, तो चार्ज के लिए पहले तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे I इज इक्वल टू Q अपॉन T। इस फॉर्मूले को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q इज इक्वल टू आई टी बना। Q का मतलब एम्पेयर इंटू सेकेंड,
यानी कि चार्ज का एस आई यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड होगा, और चार्ज को हम इसका यूनिट कूलम्ब भी कहलाता है। तो अगर कोई तुमसे कभी एग्जाम में ये पूछ ले कि कूलम्ब का एसआई बेस यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि एम्पियर और सेकेंड तुम्हारे उन पांचों की लिस्ट में मौजूद है, जो ओवरऑल सेवन है, मगर उन सेवन में से फाइव मेन है, उनकी लिस्ट में ये मौजूद है। अब देखो एग्जाम में जब ये आएगा ना, तो मैं कैसे करूंगा, सुने, मैं कहूंगा वोल्टेज का फॉर्मूला है डब्ल्यू ओवर क्यू। अब मैंने वर्क तो अलग से निकाला हुआ नहीं होगा, तो मैं वर्क को लिख दूंगा एफ इंटू डी अपॉन क्यू। एफ इंटू डी को मैं कहूंगा मास इंटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई डी इंटू डिवाइडेड बाई क्यू। अब मास की जगह पर किलोग्राम, एक्सेलरेशन की जगह पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई मीटर डिवाइडेड बाई एम्पेयर इंटू सेकेंड। Finally, we get kg, ये दो m मिलकर कितना हो गया बेटा, m square, s ये वन ऊपर आएगा तो कितना हो गया माइनस थ्री, और a माइनस वन। ये बताएं किसको नहीं समझ आया, तो मैं रिपीट करूं। क्लियर है यहां तक बात? यस सर। अब देखो नेक्स्ट, सर यू मल्टीप्लाइड एम विथ एम, हाँ तो m से m मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर हो गया ना यार, क्या हो गया? ओ भाई थोड़ा सा दिमाग तेज चलाओ, ये m से m मल्टीप्लाई हुआ तो m स्क्वायर हुआ है ना, मैंने क्या मतलब, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है यार। अब सुनो नेक्स्ट, देखो किसी एक क्वांटिटी के एक से ज्यादा यूनिट भी हो सकते हैं। हाँ स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होगा, किसी एक क्वांटिटी का एक से ज्यादा फॉर्मूला भी हो सकता है। मतलब मैं तुमसे कहूं कि प्रेशर का यूनिट बताओ, तो तुम कहोगे प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, या तुम कहोगे प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। दोनों से अलग अलग करके बताओ मुझे जरा, जल्दी से जल्दी जल्दी करो काम, जरा तुम लोग स्लो हो रहे हो भाई, आज तुम्हारी क्लास कोई भी नहीं है मेरे बाद, तो मैं इस क्लास को एक्सटेंड करूंगा। क्या कह रहे हो? 12 से 1 है हमारी केमिस्ट्री की है। 12 बजे कोई क्लास नहीं है यार, टाइम टेबल तो मेरे पास आया है, किसकी क्लास है 12 बजे? 12 से 1 हमारी केमिस्ट्री की है सर, केमिस्ट्री की क्लास है हमारी। केमिस्ट्री सुबह 9 से 10 नहीं हुई थी? नहीं हमारी सर, हमारे सेक्शन की अभी है सर, हमारे सेक्शन ई है ना यार, ई। अच्छा चलो करो फिर, अभी तुम ये तो काम तो करो पहले यार। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, अब देखो मैं तुम्हें आसानी से बताने के लिए इस तरह से ब्रेक कर रहा हूं, बार 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 मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। फोर्स के लिए मैंने ब्रेक किया मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह किलोग्राम, एक्सेलरेशन पर मैंने लिखा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। शाबाश, वेरी गुड। केजी, देखो ये एम वन है और डिनोमिनेटर का माइनस टू, इस तरह से पहली क्लास है इसलिए मैं तुम्हें स्प्लिट करके बता रहा हूं तुम्हें, वरना थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि प्रेशर जो पास्कल के बराबर होता है, तो पास्कल
actually equals to kilogram per meter per second square. अच्छा दूसरे वाले फॉर्मूले से करके देख लो. डेंसिटी अभी तुम्हें बताया मास अपॉन वॉल्यूम होता है मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय एच. मास का मतलब किलोग्राम वॉल्यूम मींस मीटर क्यूब. जी एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल है. याद करें ओ लेवल्स में जी की वैल्यू हम यूज करते थे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैंने लिखा. और हाइट का मतलब डिस्टेंस, चाहे वो हाइट हो लेंथ हो मीटर हो सॉरी रेडियस हो डायमीटर हो सर्कमफ्रेंस हो सबका यूनिट मीटर होगा. तो P इज इक्वल्स टू के जी एम. ये वन और डिनोमिनेटर का थ्री. वन प्लस वन माइनस थ्री एस माइनस टू. सो ये बन गया के जी एम माइनस वन एस माइनस टू. क्लियर है ये बात? यस सर. नेक्स्ट नंबर सेवन में अगर मैं क्या पूछ रहे हो तुम, वेलोसिटी और स्पीड का वेरिएबल वी से रिप्रेजेंट होगा ना भाई. इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. चाहे स्पीड है या वेलोसिटी है इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड. नंबर सेवन मुझे बताएं रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का बताओ जरा. रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना V इज इक्वल्स टू आई आर. V का मतलब वोल्टेज डिवाइडेड बाय I रेजिस्टेंस के इक्वल होगा. नाउ प्रीवियस पेज पे जाओ तो यहां पर आपने वोल्टेज का यूनिट निकाला हुआ है तुम्हारे पास लिखा हुआ है वो देखो ये किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस. इस वोल्टेज को रख देंगे बेटा यहां पर किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस वन और डिनोमिनेटर में करंट का एम्पेयर आ गया. शाबाश गुड है सही है. तो ये तुम्हारे पास आ गया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू. देखो ए न्यूमरेटर में जा रहा है तो पावर माइनस वन हो रही है. ये वन माइनस वन में कन्वर्ट हो रही है. प्लीज ये देख इंडाइसेस में मिस्टेक मत कीजिएगा बेटा. नाउ वी हैव rules here. Rule number one. Write down. Rule number one. Any number or fraction in the formula or equation is not included in the units. कोई भी number या fraction किसी भी formula या equation की include नहीं होगी. Rule number two.
any constants? Without units, are not included in units. पहले ये लिख लो, अब मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है. मैं वापस आ रहा हूं एक मिनट. लिख लिया ये सबने यहां तक? जी सर. अब सुनो इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है कि एस आई बेस यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. When we talk about kinetic energy, तो बेटा kinetic energy का formula होता है mv square, half mv square. अब जब आप formula में unit लिखोगे तो unit लिखते हुए ये half consider नहीं होगा क्योंकि ये number है. Numbers use नहीं होते units में. एम की जगह पर केजी, एम का यूनिट केजी होता है. स्पीड का यूनिट ओ लेवल्स में मीटर पर सेकंड तुमने पढ़ा था, इसका स्क्वायर करेंगे. देखिए रूल है मैथ्स इंडाइसिस का कि ए की पावर अगर एक्स है और इसकी होल पावर वाई है तो दीज टू पावर्स मल्टीप्लाई टुगेदर. बिल्कुल इसी तरह से अगर a इंटू बी में से सिर्फ x b पर x है और होल पावर y है तो a की पावर तो y होगी मगर b की पावर x इंटू y होगी. इसको x की पावर y मत बना देना. मतलब kg as it is रहेगा, एम पर भी स्क्वायर आ जाएगा और एस की पावर माइनस वन का स्क्वायर मत कर देना कि प्लस वन कर दो, गलत हो जाएगा. आप कहेंगे कि ये माइनस वन टू तो एम स्क्वायर और एस की पावर ये हो जाएगी माइनस टू. तो चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी तो जूल्स ही है. तो ये जूल्स ड्राइव्ड है और ये बेस यूनिट है, दैट इज एस आई बेस यूनिट. तो जो तुमने पहले वर्क के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया था, ये देख लो, जूल्स मीट किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर एस माइनस टू का यूनिट. यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी में भी यही यूनिट ड्राइव हुआ है. इसी तरह से इफ आई से कि एस आई बेस यूनिट ऑफ volume of sphere तो volume of sphere का formula पहले हमेशा formula लिखेंगे pi r cube. अब pi is a constant which do not have any unit.
मगर जी इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट विच हैज अ यूनिट. तो यूनिट्स जब ड्राइव कर रहे होंगे तो तुम जी का यूनिट तो यूज करोगे क्योंकि इसका अपना यूनिट होता है. तो जी में तो यूज होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट पाई एलिमिनेट हो जाएगा. नंबर हम वैसे ही नहीं लिखते. तो वॉल्यूम के लिए 4/3 भी कैंसिल, पाई भी कैंसिल. रेडियस एक तरह का डिस्टेंस है तो मीटर का क्यूब होगा सिर्फ. इज दिस क्लियर और नॉट? पहले ये बताओ. यस सर. यस सर. अब बेटा मैं एक नई सिचुएशन दे रहा हूं आपको. सिचुएशन ये है कि मैं आपसे कहूं कि एस आई क्वेश्चन है, डिटरमिन एस आई बेस यूनिट ऑफ न्यूटन इनटू जूल्स kg ms-2. अब इसने कहा कि इस पूरे का एसआई बेस यूनिट बताओ, क्योंकि न्यूटन और जूल्स इसमें बेस यूनिट नहीं है. न्यूटन और जूल्स तो इसमें ड्राइव यूनिट है. अब अगर मुझे इसके सॉल्यूशन में इस कंप्लीट का बेस यूनिट निकालना है तो पहले मैं न्यूटन को लिखूंगा अलग से. अपनी आसानी के लिए एक ही स्टेप आराम आराम से समझा रहा हूं. जो भी यूनिट होगा तुम्हें ये याद रखना होगा कि उस यूनिट का फॉर्मूला क्या है, ये यूनिट किस क्वांटिटी का है और उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है. तो मैं कहूंगा यूनिट जो है न्यूटन वो फोर्स का है और फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, और एम ए मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो न्यूटन तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया. जूल्स क्योंकि तुम्हें ये अलग से करना होगा, पिछले जब यूनिट तुमने ड्राइव किया वो लिखे हुए थोड़ी होंगे तुम्हारे पास एग्जाम में. अब जूल्स निकाल लो अलग से. जूल्स किस क्वांटिटी का है तो आपको याद रखना होगा जूल्स जो है वो वर्क का है और वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस. फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस. तो बेटा मास का मतलब किलोग्राम, एक्सेलरेशन मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का मतलब मीटर. ये हो गया जूल्स के इक्वल. तो फाइनली यू कैन राइट के न्यूटन इनटू जूल्स इनटू केजी एमएस माइनस टू का ओवरऑल यूनिट बेस यूनिट में इंस्टेड ऑफ न्यूटन आई कैन राइट किलोग्राम एमएस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम एम स्क्वायर एस माइनस टू. When you simplify complete, तो you can write kg cube m, ये वन ये टू और ये m, मिलकर m की पावर हो गई 4 मल्टीप्लाई बाय s माइनस 6. ये होगा आंसर. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें प्लीज. क्लियर है यहां तक? जी सर. क्योंकि देखो बेटा किलोग्राम जो है वो भी एस बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है. तो ये कंप्लीट बेस यूनिट है. दिस इज कंप्लीट एस आई बेस यूनिट. नाउ
हाँ मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको पहले। अब देखो क्वेश्चन में ये है एग्जाम का आपके पास क्वेश्चन, अब जो मैं लिख रहा हूं एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें अपनी तरफ से कोई भी इक्वेशन को ट्विस्ट करके चेंज करके देगा, कोई सा भी फॉर्मूला बना देगा, कोई भी इक्वेशन बना देगा वो अपनी मर्जी से। वो इक्वेशन तुमने कभी देखी भी नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से बनाएगा। देखो उसने कहा कि फोर्स इज डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू 1/3 πkcv where c is the वो वर्डिंग्स भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है, ये बात सुन ले। सी इज द सर्कमफ्रेंस, वी इज द स्पीड, डिटरमिन एस आई बेस यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट के, डिटरमिन एस आई बेस यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट के। के एक ऐसा कॉन्स्टेंट है जिसका अपना कुछ ना कुछ यूनिट होगा। तो व्हाट यू विल डू इन दिस फॉर्मूला, हाँ शाबाश करो जरा इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह पर। खुद करना जरा ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड, रिमेंबर राइट साइड और लेफ्ट साइड। दोनों पर तुम वैल्यूज रखो। तो देखो यहां पर लिखा है एफ इज इक्वल्स टू 1/3 πkcv। एफ की जगह पर मैं लिख सकता हूं, अब मैं डायरेक्टली तुम्हें बताऊं, अब तुम्हें ये बात तो याद रखनी होगी एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो एम ए की जगह मैं लिख सकता हूं आई कैन राइट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 और पाए कैंसिल हो गया, कॉन्स्टेंट है, नंबर है, यूज नहीं होगा। के सरकमफ्रेंस मैथ्स में डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का मतलब मीटर, और स्पीड उसने कहा स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो के एम स्क्वायर एस माइनस वन हो गया यहां पे। अब ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, बेसिक मैथ सप्लाई करें जो एएस में बार बार तुम्हें फिजिक्स में मैथ सप्लाई करनी होगी। ये फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट साइड जाकर डिवाइड होगा। एज इट इज ये वाला फैक्टर जो के से मल्टीप्लाई हो रहा था वो ऑपोजिट साइड आके डिवाइड हुआ, तो आपके पास आ गया किलोग्राम एम की पावर 1 डिनोमिनेटर का माइनस 2, एस की पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर से ऊपर आया तो प्लस 1, तो के बन गया के जी एम माइनस 1 एस माइनस 1। किसको समझ में नहीं आया प्लीज मुझे वहां रोक देना।
क्लियर है ये बात? इज दिस क्लियर? अगर ये चीज हम लोग ऐसे करें, लाउड बोलेंगे या टाइप कर लें, बोला था अगर यही चीज जो आपने किया है हम लोग ऐसे कर लें कि हम लोग के को सब्जेक्ट बना लें और फिर बाकी सारे फॉर्मूला में चीज पुट कर दें, तो इससे भी आंसर सेम ही है। पता है तुम सही, हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मगर समटाइम्स सिर्फ ऐसा होगा कि बहुत लंबी इक्वेशन एग्जामिनर देगा ना, तो तुम ट्रैप हो जाओगे, इधर उधर शू में ही शिफ्टिंग कर दोगे और बहुत सारे यूनिट्स जब मिक्स हो जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कर सकते हैं आप, वो अभी ठीक कह रहे हैं, आप वैसे करना चाहें वैसे भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी आंसर सेम आएगा। जैसे ट्राई करो तुम जो कह रहे हो उसी तरह से भी ट्राई कर लो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, लिखे मेरे साथ जरा जल्दी से, फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज F is equals to 2 upon 3 pi g k rho v, where g is the acceleration of free fall, rho is the density, v is the speed. Find SI base unit of constant k. तो फॉर्मूला तो एग्जामिनर अपनी मर्जी से बनाएगा, कुछ भी बना ले, अब सॉल्व करें जरा क्या बन रहा है। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, अभी खुद सॉल्व करो तुम। देखो मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हो, इफ आई राइट हियर, फोर्स की जगह मैं डायरेक्ट लिख दूं एम इंटू ए। अच्छा किसी और ने भी बताया है? एम एस आ रहा है, अच्छा बता रहा हूं, एक एक स्टेप देखना और मुझे स्टेप पे रोक देना नहीं समझ में आए। यहां तक बात ठीक है, मैंने फोर्स की जगह लिखा एम ए, फोर्स का फॉर्मूला है एम ए, तो मैंने किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, राइट साइड पर बेटा 2/3 और पाई कैंसिल हो गया, G का यूनिट है, अभी देखे मिस्टेक करिए तुमने, असफर चेक करना क्या मिस्टेक की है। सोहेल तुम भी मिस्टेक कर रहे हो, देखो इनमें ये टॉपिक देखने में लगता है आसान, मगर इसमें मैथमेटिकल एरर कर देते हैं आप इंडाइसेस के। G का यूनिट मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया एम एस माइनस टू, ठीक है,
जी का अगर मैं यूनिट लिख रहा हूं एम एस माइनस टू, तो इसका मतलब मैंने जी की जगह लिखा एम एस माइनस टू मल्टीप्लाई बाय के एज इट इज. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम. मास ओवर वॉल्यूम का मतलब के जी डिवाइडेड बाय एम क्यूब. मल्टीप्लाई बाय स्पीड. हाँ शाबाश. नहीं सोहेल अभी थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी. स्पीड मीटर पर सेकेंड. अब एक नजर देख लें यहां पर, आपने ट्राई कर लिया ना, अब एक मिनट देख लो मेरी बात सुनो. मुझे एक बात बताओ, राइट साइड पर के साथ क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है ये नोट करो. के जी, उसके बाद यहां पावर वन, यहां पावर वन, और ये माइन प्लस नीचे डिनोमिनेटर में थ्री. तो मैं लिख सकता हूं वन प्लस वन माइनस थ्री. एस की पावर माइनस टू और माइनस वन, तो इट मींस ये बन गया के जी एम माइनस वन एस माइनस थ्री. लेफ्ट साइड पर इस पूरे फैक्टर को ले जाकर डिवाइड कर दो. सो के जी एम माइनस वन एस माइनस थ्री बेटा डिवाइड होगा. तो देखो के जी और के जी कैंसिल, एम स्क्वायर हो गया क्योंकि ये माइनस वन न्यूमरेटर में गया है, तो प्लस वन हो जाएगा. और फिर ये माइनस थ्री न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा. तो एस की पावर वन आ जाएगी सिर्फ, ये होगा आपका आंसर. वन लिखते नहीं है, अंडरस्टूड है, पावर नहीं है कुछ भी, तो वन है. तो एस की पावर प्लस थ्री और इट मींस ये मुझे बताएं समझ में आ गई यहां तक बात. किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ये माइनस वन ऊपर गया तो प्लस वन हो गया, और ये माइनस थ्री न्यूमरेटर में गया तो प्लस थ्री हो गया. हाँ अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम हो तो कैंसिल हो जाएगी, जाहिर है. इज दैट क्लियर? चलें जी इसको यहां तक रखें, कल हम डिटेल में क्लास पर डिस्कस करेंगे बेटा. ये आज की प्रैक्टिस कर लेना, मैं एक नजर आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूं. कल हमारी डिटेल में क्लास होगी, कल 2 आवर्स की क्लास है, इसलिए ये अच्छी तरह से एक नजर देख कर आना. मैं 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, तो कल तक वो क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. ये स्लाइड 3, 4, 5, 6. अब इस तरह के 3-4 क्वेश्चन आप क्लास ले लें अभी अपनी दूसरी सब्जेक्ट की, फिर मैं आपको भेज दूंगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.